जम्मू कश्मीर के राजौरी में उरी जैसा बड़ा आतंकी हमला नाकाम। सेना के कैंप में घुसे रहे दो आतंकी ढेर, तीन जवान शहीद। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बलों ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। उरी की तर्ज पर पारगल सेना कैंप में घुस रहे दो आतंकी ढेर कर दिए गए हैं, तीन जवान भी शहीद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के जवानों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में भारतीय सेना के तीन जवान शहीद हुए हैं, वहीं पांच जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकी राजौरी में आर्मी के कैंप में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये भी बताया जा रहा है कि सेना के जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इससे पहले कहा गया था कि मुठभेड़ में भारतीय सेना के दो जवान घायल हुए हैं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ की आज ताजपोशी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी पद और गोपनीयता की शपथ। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीश धनखड़ आज भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। दोपहर 12:30 बजे धनखड़ उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले जगदीश धनखड़ ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का हराया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ लेते ही जगदीश धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। इंडियन रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी, आज से नई दिल्ली कटरा के बीच दो स्पेशल ट्रेनें। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और देश में आने वाले दिनों में कई और पर्व आने वाले हैं। आने वाले दिनों में जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे त्यौहारों की धूम रहने वाली है। और अगर आप ऐसे में श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे आपके लिए ख़ास सौगात लेकर आई है। दो स्पेशल ट्रेनों का होगा संचालन, जाने रूट और समय। रेल मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी त्यौहार के मद्देनज़र रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भाड़ की निकासी और सुविधा के लिए उत्तर रेलवे नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच दो स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन किया गया जा रहा है। सामना ने गुरुवार को अपने संपादकीय लिखा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू की राज्यसभा सदस्य आर सीपी सिंह को नीतीश कुमार की इच्छा के विरोध शामिल किया गया है, लेकिन सिंह को समर्थन देकर भाजपा बिहार में नीतीश कुमार को अस्थिर करना चाहती थी। ये संज्ञान में आते ही नीतीश कुमार ने दिल्ली से संपर्क ही तोड़ दिया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ की गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा है कि बिहार के महागठबंधन की खुलकर समर्थन किया गया है। इसके